Dear student, welcome to our today's class of Dual Communication. आज हम exercise number 2, class 7, subject Maths, page number 14 पढ़ने जा रहे हैं. इनको आप ध्यान से समझें. देखिए question number 1, multiple choice question किस शॉर्ट फॉर्म एम सी क्यू, मतलब एम का मतलब मल्टीपल, सी का मतलब चॉइस, क्यू का मतलब क्वेश्चन. कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा राइट है उसको हम राइट करें. चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो भी आपका ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम चूज कर दे राइट का निशान लगा. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हमें विशेष रूप से मल्टीप्लाई के रूल की जरूरत होगी और उन रूलों को ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. -25/0, कहने का मीन्स ये है कि -25 को जीरो से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है. जो आंसर आता है उस ऑप्शन को हम राइट करेंगे. अब देखो इसका दो क्वेश्चन मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ. एक तो आता है -25/0 और एक होता है 0/-25. मतलब कहने का मतलब यह है कि जीरो को यदि किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है. लेकिन यदि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है. मतलब जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड करो, चाहे वन से जीरो को डिवाइड करो, सॉरी चाहे वन को जीरो से करो, टू को जीरो से करें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई भी संख्या को जीरो से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है. लेकिन अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है. ये निश्चित रूप से आप डिफरेंस याद रखना ताकि हमारी कहीं भी गलती ना. देखो ध्यान से, तो इसका आंसर हमारा बेटा है नॉट डिफाइंड. क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ध्यान पाना. द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आप जानते हो इसमें ग्रुप दिए रहे हैं, उस प्रोडक्ट इज -42. किन का प्रोडक्ट -42 आ रहा है उसको हम करेक्ट करेंगे. अब देखो सबसे पहला ग्रुप है ये -6 -7, -1. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. अब ये अपन ने मल्टीप्लाई में इनको लिख दिया. अब इसमें मल्टीप्लाई को चलेंगे, पहले 6 और 7 को करेंगे मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले इन नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें साइन मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों संख्याओं को हम ले रहे हैं सबसे पहले. तो माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर प्लस है. माइनस और माइनस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस आएंगे, और प्लस आ रहे हैं तो 6 7 42 और माइनस और माइनस प्लस. अब ये संख्या ऐसे ये मल्टीप्लाई उतार दिया, ये माइनस वन वैसे का वैसे हमने यहाँ क्लियर याद है. अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो प्लस और माइनस सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने से पहले अपन को साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लस इनटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, ये मल्टीप्लाई रूल है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं. तो प्लस माइनस माइनस और 41 को 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो इसका आंसर भी हमारा 42 आएगा, नेगेटिव. ठीक, लेकिन एक के आंसर हमने इससे राइट, हम डायरेक्टली राइट नहीं करेंगे, इसलिए इसमें हम राइट नहीं करेंगे. अभी फिलहाल में क्या करेंगे, राइट नहीं करेंगे, सबको सॉल्व कर देखने के बाद ये क्लियर करेंगे कि किसका आंसर -42 केवल एक का आ रहा है, सबका आ रहा है, ये पूरी क्लियर करेंगे. अब इनको लेंगे हम बी नंबर, ये यहाँ मैंने लिख दिया 7 × -6. सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, और ये माइनस प्लस इंटू माइनस
सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करने से क्या आया माइनस, माइनस हमने यहां नोट कर लिया, 6 × 42, इसका आंसर भी 42 आ रहा नेगेटिव। अब सी पे चलते हैं, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 42 प्लस इसमें प्लस इसमें, तो यहां के आंसर प्लस थे, ठीक है। तो ये 42 ये नेगेटिव वन ऐसे ही से उतार लिया मल्टीप्लाई करके। अब वापस प्लस इनटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, क्लियर। तो माइनस लगा दिया, 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही रहेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही देते हैं जो बड़ी। तो नेगेटिव सबके आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ये भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। तो अपन इन तीनों ऑप्शन को राइट में लगा सकते, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज का मतलब जितने भी अपने आंसर अपने जितने भी ग्रुप दे रहे हैं वो सारे ही सही है, अर्थात सबका आंसर नेगेटिव 42 आ रहा है, इसलिए इन सब पे राइट में करके ऑल ऑफ दीज पे राइट करेंगे, सब ऑल ऑफ दीज का मतलब सारे ही आंसर राइट, सारे ही ग्रुप राइट है, सबका आंसर सेम ही आ रहा है, समझ में आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द पेटेंट गिवन इन दिस, इस बुक में जो पेटेंट दिया हुआ उस बुक के पेटेंट के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझोगे आप इस चीज को, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई, यदि दो प्लस वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, याद आ जाएगा। दो प्लस वाली संख्याओं को, चाहे संख्या कोई सी हो, दो प्लस वाली संख्याओं को, ये भी प्लस वाली होनी चाहिए, वो भी प्लस वाली, दो प्लस वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर हमेशा प्लस में आएंगे। दो माइनस वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा प्लस में आएंगे, अर्थात इन दोनों चीजों से ये क्लियर आपके सामने हो चुका है कि दो समान साइन की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। दो अलग अलग साइन की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, जैसे कि प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, अलग अलग साइन है दोनों, दोनों अलग अलग साइन की संख्या को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों अलग अलग साइन की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, क्लियर। यदि दो समान संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा प्लस में आएंगे, दो अलग अलग साइन की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर हमेशा माइनस में आएंगे, याद आ जाएगा आपको, यही अलग है। देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, अलग अलग साइन की संख्या है, तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई अपने कि आंसर माइनस में आएंगे, तो माइनस पहले लगा दिया, 3 × 2 = 6, ठीक है। यहाँ तक एक बार फिर समझ लो, यहाँ 3 से आगे माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस और माइनस अर्थात माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, चाहे तो वहां भी आप देख सकते हो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, क्लियर। और 3 × 2 = 6 संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे बाद में संख्या लेंगे, यहाँ देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लेंगे, प्लस मानेंगे, और ये माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, अर्थात ये तो स्पष्ट हो चुका था अपना आंसर माइनस में आएगा। और 4 × 5 = 20, ठीक है, यहाँ तक कि ये नियम, माइनस 4 × 4 ये माइनस है, इधर प्लस है, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, तो ये क्लियर है आपके सामने कि माइनस का आंसर आएगा 4 × 4 = 16। लेकिन यदि मैं संख्या ले लेता हूँ −4 × −4, आंसर तो 16 ही आना है, लेकिन माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, ये बुक के नहीं क्वेश्चन, मन से लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना। यदि मान लिया जाए मैंने लिख लिया 4 × 4 तो ये 16 तो आएंगे, लेकिन ये भी प्लस के आएंगे क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं, तो प्लस इंटू प्लस। यदि मैंने लिख लिया 1 में लिखा हुआ है और 1 मैंने लिख लिया 4 ×
ये भी 16, तो ये तीनों स्टेप समझ में आ गए होगी आपको अच्छी तरह, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि दो समान साइन की संख्या लेंगे तो आंसर प्लस में आएंगे, दो अलग अलग साइन की संख्या लेंगे आंसर माइनस में आएंगे। ये अच्छी तरह आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन समझना, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द पैटर्न गिवन इन दिस बॉक्स। वो का वही क्वेश्चन है, बस उसमें ध्यान रख ये था कि दोनों अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करके हमने किया है और इसमें दोनों समान साइन है, बस इतना सा डिफरेंस है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको इन रूलों को समझना। उसमें ये लेवल थी, दोनों अलग अलग साइन की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया था और इसमें दोनों समान साइन की संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, सेम क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा और पैटर्न इस क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ ताकि जिसके समझ में नहीं आए उसका भी और आ जाए। ध्यान दें, ये अपने पास संख्या है, क्लियर, ये अपने पास संख्या -3 × -2। सबसे पहले हम साइन लेंगे, इसका नेगेटिव उठा लिए हैं, इसका नेगेटिव और बीच में मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग प्लस। ये क्लियर, अब साइन हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई, अब काउंटिंग ले लेते हैं, 3 और 2 को नोट कर लिए, 3 × 2 = 6, ये भी क्लियर। अब आपको पता है आपने दोनों मिलकर ये आंसर आया प्लस के 6, तो यहाँ -3 × -2 = 6 लिख दिया अपने प्लस के, ये प्लस 6 लिख दिया। अब आपको ये पता है कि जिसके आगे प्लस का साइन है स्टार्टिंग संख्या है उसमें यहाँ प्लस नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ प्लस के 6 वैसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि ये नई साइन है तो भी यहाँ प्लस ही माना जाएगा, क्लियर। इसमें भी यही किया हमने, पहले नेगेटिव और नेगेटिव दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, नेगेटिव उतार लिया, नेगेटिव उतार था बीच में मल्टीप्लाई की, तो नेगेटिव अर्थात -× -= प्लस। आपको बता दो माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएंगे, और अब 4 और 5 ले लिया मैंने तो 20, 4 × 5 = 20। अब आपको पता है डायरेक्टली मैंने संख्या नोट करके मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 4 × 5 = 20। अब चाहेंगे साइन को हम यहाँ से मिटा भी सकते हैं, क्योंकि माइनस लगाना जरूर नहीं होता, नहीं होता है कोई साइन को हम भी माइनस मानते हैं, ये भी क्लियर। आपको थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, पहले नेगेटिव नेगेटिव उतार लेंगे, -× -= प्लस, ठीक है, -1 और -2 और यहाँ 1 × 2 = 2, -× -= प्लस, तो ध्यान दे लिया, अब पूरी संख्या उतार दी, -× -= प्लस, 2 × 2, तो अपने प्लस के 2 आ गया, प्लस लिखना भी जरूरी नहीं है। मेरा जहां तक मानना है ये क्वेश्चन और ये रूल अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, वेरी नाइस।